भंडार पूरा खाली हो गया था, पूरा ना अनाज जो है ना खत्म ही हो गया था। अभी नया डालते। हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और हम भी बढ़िया है। और कल जो है ना हम लोग का अंखम गड़ले का पूजा है, मतलब नया अनाज का पूजा है। जब भी मतलब इधर नया अनाज आता है ना तो पूजा करके ही मतलब नया अनाज को खाया जाता है, तो उसी का पूजा है। तो पीछे आप लोग ढेर देख ही रहे, मतलब धान का ढेर है, तो इसे जो है ना अभी हमें भंडार में डालना है। जो हम खाएंगे उसे मतलब डालेंगे अंदर, और जो मतलब हम लोग को मतलब ये ज़्यादा हो जाता है तो हम कुछ बेचते हैं, तो बेचने के लिए बाहर ही रखेंगे। तो हस्बैंड और मैं अभी वही डालने वाले हैं, और बाकी पूजा के लिए प्रिपरेशन भी चल रहा है, मतलब बाठो बनाने वाले, नया बाठो बनाते हैं, उसका भी प्रिपरेशन चल रहा है। बाहर काम कर रहे लोग, तो अभी हस्बैंड और मैं इसको डाल देते हैं। आप लोग वीडियोस देखते रहिए। अभी अनाज को जो है ना हम एक एक करके डालेंगे। यहाँ पे 46 मोन है, तो इसमें से बस 20 मोन मतलब डालेंगे, उसके बाद बाकी का जो है ना बेच देंगे। सबसे पहले हम ये आधा मोन वाला को डालते हैं, इसको 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 चलो अभी अंदर डालते। भंडार पूरा खाली हो गया था, पूरा ना अनाज जो है ना खत्म ही हो गया था। अभी नया डालते और लेके आना पड़ेगा। चलो मैं तो थक गई, अभी हस्बैंड अकेले उठा रहे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा मतलब रहो, मैं अकेला उठाता हूँ बोल के, तो थोड़ा टाइम उठाते, उसके बाद मैं थोड़ा हेल्प करूँगी। और इधर आप लोग देख सकते हैं बाहर भी काम चल रहा है, मतलब ये लोग नया बाठो बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि हर साल जो है ना इस टाइम पे पुराने बाठो को तोड़ के नया बाठो बनाया जाता है, तो जो भी तैयारी करना है वो लोग पहले तैयार करते हैं, उसके बाद ही उधर बाठो मतलब चेंज करेंगे। तो मैं उन लोग के लिए चाय बना के लेके आई। और अंखम गड़ली का पूजा जो है ना वो कल है, लेकिन हम लोग जो है ना बाठो को एक दिन पहले मतलब तैयार करके रखते हैं, तब ऐसा होने से जो है ना पूजा जल्दी हो जाता है। मतलब उस टाइम पे जो है ना जो पूजा करते पंडित जी होते हैं उनका मतलब काफ़ी जगह पे मतलब पूजा होता है ना, तो ये सब तैयार करके रख देने से वो आके डायरेक्ट पूजा कर लेते हैं। तो हम हमेशा जो है ना एक दिन पहले मतलब तैयार करके रखते हैं। तो अभी ये हमारा पुराना बाठो है, एक साल पहले इस टाइम पे लगाया था, तो अभी इसको उठा के जो है ना नया बाठो लगाएंगे ये लोग। और अभी हमारा नया बाठो जो है ना बनके तैयार है, और माँ ने थोड़ा सा साफ सफाई भी कर दिया है। और ये है नेक्स्ट डे, अंखम गड़ले का दिन है, और मैं सुबह ही नहा धो के अभी बाठो को साफ कर रही हूँ। ऐसे कल माँ ने अच्छे से साफ कर दिया था, लेकिन पूजा के दिन भी साफ करना पड़ता है। तो माँ जो है ना अभी इधर पातली काट रहे, तो ये सब जो है ना पूजा के लिए चाहिए होता है, तो वही सब चीज़ें तैयार कर रहे। आज जो है ना अनाज के साथ साथ नया सुपारी का भी पूजा किया जाता है, तो वो सब भी सब कुछ तैयार कर रहे। और इधर जो है ना मैं खाना पीना बनाने का मतलब तैयारी कर रही हूँ, पहले जो है ना जो भी सब्जियां वगैरह है वो सब काट रही हूँ। और ये अंखम गड़ले के दिन जो है ना आसपास के सब लोग जो है ना मिलके खाना पीना करते हैं, और इधर पूजा भी स्टार्ट हो गया है। बाठो में पूजा करने से पहले ना साइड में इसे प्रायश्चित किया जाता है, उसके बाद सारा घर को इंसान को जो है ना शांति पाने से छिटका जाता है, और उसके बाद ही जो है ना बाठो में पूजा किया जाता है। तो वही कर रही है अभी माँ। और इधर माँ और पंडित जी लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। और अभी जो है ना मैं यहाँ पे खाना पीना बनाने में लग गई, तो सबसे पहले मैं पोर्क बनाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला अंखम गड़ली मतलब जो है ना खाना पीना रहता है, तो आसपास के सारे लोग खाना पीना खाने आते, मतलब काजी सब खाने आते, तो पूजा ख़त्म करते ही सारा लोग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, जो भी कुछ मैंने बनाया ना सारा चीज़ मैं सूट नहीं कर पाई। मैं बाहर ऐसे पोर्क बना रही थी, तो किचन में भी कुछ पक रहा था, तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे घर में पूजा होने से। और आसपास के पड़ोस के घर में भी पूजा था, तो एक दूसरे को हम लोग हेल्प करने नहीं जा पाए।
पूजा खत्म करने के बाद अभी माँ लोग जो है ना इधर चिकन की साफ सफाई कर रहे, तो अभी चिकन ही पकना बाकी था, सारा कुछ रेडी हो गया था। तो चिकन साफ करने के बाद अभी मैं जल्दी से चिकन को बनाऊंगी। और लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे, तो उन लोगों ने खाना भी स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग काजी के साथ जो है ना जुमाई पी रहे थे। तो आप लोग खराब मत सोचना, ये जो है ना एक बोड़ो का ट्रेडिशन है। तो वो लोग थोड़ा थोड़ा सबके घर में से पूजा के टाइम में पीते हैं, और जिसे पसंद है वो लोग पीते हैं, जो लोग नहीं पीते वो लोग बस काजी खाते हैं। और अभी हम बच्चों के लिए पहले खाना परोस रहे, उसके बाद बड़े लोगों के लिए परोसेंगे। और ये बच्चे लोग जो है ना आज के हमारे पहले ग्रुप वाले बच्चे, मतलब खाना खाने वाले। उसके बाद भी काफ़ी सारे बच्चे आए थे, लेकिन सबका वीडियो लेना नहीं हुआ। और आज के दिन जो है ना तीन चार घर में पूजा है, तो उन लोग के लिए जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा ही परोस रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को जो है ना सब लोग ही बुलाते हैं खाना खाने के लिए। तो आज का मेन्यू आप लोग देख सकते हैं, सब्जी है, पोर्क है, चिकन है, दाल है। तो मैंने सबके लिए परोस दिया, और रियान भी बैठ गया इधर उन लोगों के साथ ही। ऐसे टाइम पर जो है ना साथ साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बच्चे के टाइम का तो क्या ही बोले। वो लोग बहुत बढ़िया से खा रहे। और यहाँ पे है हमारे घर के नज़दीक के लोग, मतलब ये मेरे रिश्ते में सास ससुर लोग लगते हैं, कोई देवर लगता है। तो सब लोग दूसरे घर में पूजा से खा के पी के आए हैं, तो अभी हमारे घर में खा पी रहे। और मुझे ये लोग बोल रहे कि अगर वीडियो लेना था तो पहले बता देते, हम थोड़ा सच के आते ऐसा बोल के। तो मैंने बोल रही कि आप लोग ऐसे ब्यूटीफुल लग रहे, बहुत सुंदर लग रहे बोल के। और ये लोग ऐसे ही खाया पिया, तो ऐसे दिन चला गया, रात हो गया था। बाद में भी काफ़ी लोग आए थे, तो सबका वीडियोस में नहीं कर पाई। और यहाँ पे है पंडित जी लोग, अभी खाना खा रहे, शाम ही हो गया था, तीन चार घर में पूजा करने के बाद ही वो लोग खाना खा पाए। तो ऐसा ही रहा हमारा अंखम गर्ले। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूंगी अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय गाइस।